हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो चुके हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 17। और ये पेपर आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो चुका है, वो आपका ऐप ओपन कर लीजिए और इस पेपर को आप सोल्व कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ओके। साथ ही साथ जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है, वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, जहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए 70 पेपर आपका अब तक हमारा हो चुका है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, फुल सिलेबस क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ सोर्स नोट्स मिलेंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव करके एक अच्छे एम्स में एडमिशन ले सकते हो। यदि आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में कोर्स अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपका ये BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए कोर्स अवेलेबल है, ओके। तो इसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन हो सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन और उसके साथ ही साथ उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन होना है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऐप का लिंक मिलेगा, गूगल क्लासरूम या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी मीडियम का आपको मटेरियल मिल जाएगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम से जो है मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें लगभग यहाँ पे 70 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 670 पेपर मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वाइज यहाँ पे पेपर आपको मिलेगा, लगभग यहाँ पे 70 पेपर कंप्लीट हो चुका है, और रेगुलर यहाँ पे पेपर अपलोडेड होते हैं, तो इससे भी आपका प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि आपने सिलेबस कवर कर लिया तो ये आप टेस्ट सीरीज देके अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, और ये BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल लिया है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैप्टर वाइज यदि क्वेश्चन सोल्व करने चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 ईयर के यहाँ पे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और उनके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, तो वो यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए काफी क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे क्वेश्चन है तो इनके यदि आपको आंसर समझ में नहीं आता ये कैसे सोल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन है वो दिया जाएगा। देखो पूरा हिंट और पूरा आपको जो है सोल्यूशन दिया जाएगा कि किस तरह से इसका आंसर आया। यदि आप इतना भी कर लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी मटेरियल मिलने वाला है। यदि आप उतना भी कर लेते हैं तो BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका चार्जेस भी आपका बहुत कम चार्जेस है, जिसमें आपका बात करें और भी आपको मटेरियल मिलने वाला है, क्योंकि रीजन्स बुक आपको मिलेंगे, सारा फॉर्मूला बुक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सोर्स नोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप अपना रिवीजन कर सकते हो, ओके। इस तरह से PDF आपको ओपन हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो सारा आपका इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपको दिए गए, ताकि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी गलत नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्कोर इंक्रीजेस कर सकते हो, और इस सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपका ओनली 499 है, जहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आपको सोर्स नोट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको लगभग 670 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन हो जाइए स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे, या आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर आपको दिखाए गए हैं वहाँ से आप व्हाट्सअप कीजिए। उसके बाद आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आपको पेमेंट प्रोसेस के बाद आपका पेमेंट है वो ओनली ऑन 499 है। वो पेमेंट प्रोसेस के बाद आपको तुरंत 5 मिनट में आपको सभी क्लासेस के कोड वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आप अपना रीजन स्टार्ट कर सकते हो और प्रिपरेशन को और हाईएस्ट मार्क्स तक ले जा सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही टेस्ट सीरीज का। अब आगे आप वीडियो देख लीजिए, कितना बायोलॉजी का पेपर या कोई भी पेपर हो वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ओके, कि किस तरह से आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, ओके। तो चलिए आज के इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, आज पेपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है मानव भ्रूण का हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ये NCERT की लाइन है, हीमोग्लोबिन आपको NCERT में मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जाने वाला है वो आपका जाएगा थर्ड ही इसका राइट आंसर जाएगा, ओके। डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो किसमें अनुपस्थित होते हैं, चार ऑप्शंस आपके सामने है, और इसमें आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राई का अर्गट किस प्रजाति के कारण होता है, तो ये भी आपका NCERT लाइन है, चारों ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो थर्ड में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है मेनिटोल संग्रहित भोजन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें भी आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो फोर्थ में आपका राइट आंसर जाएगा, फोर्थ फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को भी कहा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को क्या और कहा जाता है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो फिफ्थ में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्राइमेन स्पोरोफाइट, तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका थोड़ा डिस्कशन किया गया है। ओके तो सिक्स्थ में इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चारों ऑप्शंस आप देख लीजिए, इसमें से आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम की ओर देख सकते हो, और यदि आप इंग्लिश मीडियम की हो तो इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। सिक्स्थ में आपका क्या राइट आंसर जाएगा, तो सिक्स्थ में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। सेवन की बात करें कैस्पियन बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेवन्थ में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, सेवन्थ में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेवन्थ में आपका जाएगा फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्त केशिका से मिलकर बना होता है, तो किससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, और इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर क्या जाने वाला है एट में, तो एट में आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड, सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन, हमने एट का यहाँ पे आंसर डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइन नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों के प्रकार कौन से होते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नाइन में आपका क्या आंसर जाएगा, नाइन्थ में आपका आंसर जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके तो ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे, इसमें आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई करेक्शन लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है लाइसोसोम की उच्च मात्रा होती है, तो किसमें होती है, यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर 10 में जाने वाला है वो आपका जाएगा सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, मध्य पटल मिडिल लेमिना के बारे में पूछा गया, कौन सा आवश्यक तत्व है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे आपके सामने तो इसको गलत नहीं करना है। ओके तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जाएगा सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है साइक्लोस्केलेटन निम्न से बना होता है, तो किससे बना होता है, ये भी आपका नीट में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सी एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर 12th में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सेकंड, ठीक है सेकंड यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, निम्न में से किसके का भाग नहीं माना जाता आंतरिक झिल्ली तंत्र, ठीक है तो आंतरिक झिल्ली तंत्र आपके बारे में पूछा गया इसमें, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें आपका 13 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे 13 में राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 में डीएनए, तो डीएनए के बारे में पूछा गया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 14 में जाएगा, क्या जाएगा थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके नेक्स्ट हम बात करें एडिनिन, तो एडिनिन क्या है, तो ये भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 में आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड, सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी जा रही है। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स का क्या काम करती है, किस में मदद करती है, तो गार्ड सेल के बारे में हम डिस्कस करें, तो गार्ड सेल है यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए, और इसमें आपका 16 में राइट आंसर क्या जाएगा, 16 में राइट आंसर जाएगा सेकंड, सेकंड आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की बात करें ईएमपी कोल, तो ईएमपी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और 17 में इसका आंसर जाएगा फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का एब्सिसिक एसिड, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके सेकंड यहाँ पे आपका 18 में जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोहरा निषेचन, तो यहाँ पे किस में पाया जाता है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर जाएगा सेकंड, सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सोयाबीन उगाने के लिए जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा जीव है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आएगा फर्स्ट, तो ये आज बहुत ही सिंपल पेपर हमने रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे, लेकिन इसके इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपका सारे
क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, और जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, ऐसे सिर्फ मैसेज करना है, ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। आफ्टर पेमेंट आपको सभी क्लासेस कोड और सभी टेस्ट सीरीज का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एम्स, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।